हेलो स्टूडेंट्स। सो फाइनली जिसका इंतजार था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ओपन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा CEUH.ac.in, यहाँ पे देख सकते हो ओपन काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिस आ चुका है। आप यहाँ पे डायरेक्ट ओपन काउंसलिंग में एडमिशन ले सकते हो। यार क्या क्या सीन है ओपन काउंसलिंग में, कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है सीटें कितनी बची हुई है भैया। ठीक है, बहुत सारे कम परसेंटाइल है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि ओपन काउंसलिंग में हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओपन काउंसलिंग में यहाँ तक कि जो बच्चों ने जो कट ऑफ गया है वो कम नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। देख सकते हो सीटें ऑटलिस्ट नहीं है, मतलब बहुत ही नगण्य के बराबर मान सकते हो, लेकिन हाँ सीटें बची हुई जरूर है। ओके स्टूडेंट, ओपन काउंसलिंग की जो सीट्स है आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा जो डिमांड कोर्सेस है वो MSc मैथमेटिक्स है, MSc केमिस्ट्री है। ओके तो चलते हैं अपन, और BTEC इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग देख सकते हो। BTEC को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग SC के अंदर 4 सीट है, ST में 5 है, OBC में 4 है, टोटल कितनी हो गई, और ये 8 अनरिजर्व है, यानी कि आप जनरल मान सकते हो। ओके तो 4 है, 4 8, 8 आठ 16, 16 और 5 21 सीटें बची हुई है। ओके स्टूडेंट्स, BTEC इन CS। ओके वैसे ही इलेक्ट्रिकल के अंदर देख सकते हो, और प्रिंटिंग के अंदर यार खूब सीटें हैं। ओके और इंटीग्रेटेड कोर्सेज में भी कुछ सीट्स बची हुई है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि हमारा मतलब कट ऑफ एडमिशन हो जाएगा, तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके क्योंकि कट ऑफ हाई जाने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, और आगे चलते हैं अपन कट ऑफ की ओर। देख सकते हो अपना जो मेन है वो है MSc केमिस्ट्री, MSc मैथमेटिक्स। ओके तो ये रहा MSc केमिस्ट्री। तो यार SC के अंदर 5 सीटें बची हुई है, ST में कोई सीट नहीं है, OBC में 6 सीट है, अनरिजर्व में 9 है, EWS में 2 है और PWD में 2 है। अब यार ओपन काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है पहले काउंसलिंग में, क्या वो भी इलिजिबल है इस काउंसलिंग के लिए? ओके और जो आज सुबह दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन भी आ गया था, जिन बच्चों को अपनी सीट विड्रॉल करनी है। ओके ये आई थिंक कल भी आ गया था नोटिस आया, ठीक है, तो वो अपनी सीट विड्रॉल भी कर सकते हैं, ताकि ये लोग जो है अपनी सीट फिर से फिल कर सके। ओके और यार मतलब जो ये बच्चे जो हैं स्पोर्ट कैटेगरी वाले, इनको थोड़ा ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। ओके तो ये बच्चे जरूर अप्लाई करें अपनी कैटेगरी वाइज, जो जो स्पोर्ट्स पर्सन है। ओके कश्मीरी माइग्रेंट है, और जो भी ये दिया गया है वेबसाइट पे नोटिफिकेशन। ओके स्टूडेंट, आप यहाँ पे आने के बाद एडमिशन इस पे क्लिक करने के बाद आप जो है डायरेक्टली सीट वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और जस्ट आप लोगों को अगर ये चाहिए कितनी सीटें कहाँ पे वैकेंट है, तो इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा। ओके या फिर एक मेरा नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। ओके उसके अंदर ज्यादा कोई नोटिस नहीं आती, एक दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग दिन के अंदर एक दो बार कुछ आती है, फर्स्ट की किस में कितनी सीटें वैकेंट है, कितने नहीं है, किस में कितने मार्क्स पे एडमिशन हो सकता है, किस में नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है यार, जस्ट आप अप्लाई कर सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ओपन काउंसलिंग के अंदर। ओके तो देख लो कि इंस्ट्रक्शंस क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता ओपन काउंसलिंग के अंदर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुछ डेट्स भी दी गई है कि कब स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट नहीं हो रहा। ओके तो क्या दिया है, डिस्प्ले ऑफ लिंक ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट 20/11, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट, ये क्या किसका दिया गया है। ओके ओपन काउंसलिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, 20 तारीख सैटरडे। ये आप नोट बिल्कुल ध्यान से जरूर पढ़ ले, इसके अंदर क्या लिखा गया, द कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद CUH विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर एडमिशन
कैंडिडेट विद प्रेस रजिस्ट्रेशन शेल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लिस्ट ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट वो हैव रिपोर्टेड फॉर ओपन काउंसलिंग। ठीक है, पहले यार उन बच्चों को ही मौका दिया जाएगा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है CUH के पोर्टल पे, और देन उसके बाद कंसिडर किया जाएगा जो बच्चे बाद में रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे बाद में अपने आप को जिन्होंने पहले CUH के पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कर रखा। तो यार हमने पहले भी कहा था बहुत सारे बच्चों को कि यार अपने आप को रजिस्टर जरूर करो, उसके बिना आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे या फिर आपको मतलब चांसेस कम होंगे एडमिशन के। ओके ठीक है यार, बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वारी आ रही थी भैया कुछ ले दे के करवा दो, ओके टीचर वगैरह हो वहाँ पे कुछ हो जाए, तो यार ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स कभी सक्सेस नहीं हो सकते, वैसे सक्सेस नहीं जिसको एडमिशन चाहिए मतलब पढ़ने वाले बच्चे ही होते हैं वैसे तो। ठीक है, तो यार ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है। ओके आप काउंसलिंग कर सकते हो, स्पॉट एडमिशन में हो सकता है एक दो नंबर मतलब बच्चे कुछ लेफ्ट कर रहा है कोई लेफ्ट नहीं कर रहा, आप टीचर वगैरह से कॉन्टेक्ट कर सकते हो लास्ट एंड मोमेंट पर अगर सीटें बची हुई हो तो मिल सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप ओपन काउंसलिंग के अंदर वहाँ पे कॉल करें और बोले कि भैया कुछ ले दे के करवा दो, ऐसे करवा दो वैसे करवा दो, तो यार वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, 1001% पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई ऐसा करता है तो इट्स मतलब जो बच्चा एडमिशन के लिए कोई कुछ किसी को कुछ दे रहा है या फिर कोई ले रहा है तो मतलब इसके लिए दोनों ही के लिए जस्टिस नहीं है। ठीक है, और शिक्षा के मंदिर के अंदर ये सब पॉसिबल भी नहीं है, सोचना भी बहुत गलत होता है ऐसा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की क्वारी आ रही थी भैया ऐसा कुछ करवा दो, हम आपको 20,000 दे देंगे 10,000 दे देंगे, तो हमारी तरफ से ना है। ठीक है, लिया लेना तो चाहते हैं लेकिन क्या करें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर पैसे लेके एडमिशन भी करवा भी दें तो ठीक है, लेकिन करवाए भी कैसे हैं। ओके, क्योंकि सीटें तो लिमिटेड होती है ना, 60 बच्चे 60 बच्चे कट ऑफ क्लियर हो रहे हैं तो 60 बच्चों का हो रहा है, फिर पैसे किसको दोगे, समझ गए। तो यार ऐसा किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता। ठीक है, DU जामिया BHU JNU ओके बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ओके, और मतलब पॉसिबल नहीं है, और जिन बच्चों को ये लगता है कि पॉसिबल है तो JEE Main का जो हाल हुआ वो बिल्कुल ध्यान रखें कि क्या हुआ था, बच्चों ने पैसे भी दिए और अपना 1 साल भी खराब किया। ओके, तो वो सीन कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मतलब मेरा सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि रिश्वत वाला मामला या फिर पैसे दे के एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर या फिर जो भी गवर्नमेंट काउंसलिंग होती है उसके अंदर। ओके, पोर्टल पे सारी इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।